आखिर कैसे होती है भ्रष्टाचार और अपराध की शुरुआत। दिल पर रख के हाथ, बने रहिए हमारे साथ, करेंगे हम खुलासा द सिस्टम फाइल्स। सीआरपीएफ के जवान नरेश ने आत्महत्या से पहले एक उच्च अधिकारी से की थी टेलीफोन पे एक खास बात, क्योंकि उसने खुदकुशी जानिए द सिस्टम फाइल के साथ, एक अनकहा और छुपा हुआ सच। सर, कांस्टेबल नरेश बोल रहा हूँ। कहाँ पे है तू? अभी साहब नौखा के लगभग गाड़ी आई सर, वापस आ जा, जहाँ भी है वापस आ जा और सीधा मेरे से मिलना आके। जी सर। क्या हुआ था वहाँ पे? अब मेरा और गार्ड कमांडर का थोड़ा झगड़ा हो गया था। क्या हो गया था झगड़ा? वो एक गए थे सर बाहर अपना ESIJD, वहाँ BQ है जो, रात के 9:30 बजे वापस आए तो मैं एंट्री के लिए बोला तो वो साहब बोले, मेजर बोले कि आप इतना क्यों इनकवरी कर रहा है और गाली दिया, तो थोड़ा तू तुम्हें मैं हो गया। अच्छा, और कुछ नहीं सर। तू अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है? नहीं साहब। नहीं साहब के बच्चे, अब तू वापिस आ जा, तेरे को मैं बताता हूँ। तो अपने आप को गुंडा समझता है क्या? नहीं सर। चुपचाप ना, अगर जा तो कैंपस में जा, नहीं तो अपनी मर्जी कर और तैयारी कर ले अपने घर जाने की। तो अपने आप को गुंडा समझता है? नहीं, अगले स्टेशन पे उतर के आता हूँ साहब। हाँ ना, तो और तेरे को घुसने भी नहीं देगा वहां, जाके भी देख ले तू। नहीं, नौका आ रहा है सर, कंट्रोल रूम बताया कि। तू अब ध्यान से आइयो यहाँ पे, मैं तेरे को बता दिया सर। हाँ, आजा, तेरी मैं हेकड़ी निकालता हूँ सारी, वापिस आ तुम। जैन सर। हाँ जैन, कौन? कांस्टेबल नरेश बोल रहा हूँ सर। नरेश क्या कर रहा है यार ये? ये नहीं साहब, मेरे को दुखी कर दिया साहब, तीन बार, हर बार आदमी बोल रहा है राइफल को के, आज क्या हूँ साहब, को अपने आवाज सुन लिया ना साहब? सुन भाई, सुन। नहीं साहब, गलत है साहब। नहीं गलत, सुन, पहले हर चीज का बात होता है, बैठ के होता है, ये कोई तरीका नहीं हुआ। तेरे फैमिली है यार, क्या गलत कर रहा है तुम? सुन, हम बात करेंगे, मेरे साथ बात कर तू। हेलो नरेश, नरेश अभी कुछ नहीं हुआ बाबू, अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, हम बात करते तुमसे, हम आ रहे हैं तुम्हारी तरफ। बाबू हम आ रहे हैं तेरे तरफ, आ रहे हैं हम। नहीं साहब, नहीं, आप बता दो। नहीं है, पागल है क्या? नहीं साहब, आप बता दो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के आप बता दो। नहीं सुनो, अरे पागल, ये सब चीज नहीं करना बेवकूफ। हर चीज ऊपर नीचे होता है। आप आए तो मैं मर जाऊंगा साहब। नहीं, गलत चीज। आप आए तो मैं मर जाऊंगा सर, आप बता दो वही रहना। ना, ये गलत काम मत करना। हर कोई भी बोल रहा है कि नरेश कॉक कर रहा है, आज ही है नरेश कॉक, जिसको बताना है वहां बताओ, डीजी को बताओ। अरे आप बताना साहब, अभी सर आप मत आना, बात तो कर भाई। नहीं साहब, मैं बात करने लायक नहीं हूँ, मेरे से बात मत करो साहब आप। नहीं, सुनो, एक बार बात करो, सुनो, ये सब कुछ अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं, मेरा तो जो होना है वो हो गया साहब। नहीं कुछ नहीं, अभी आप मेरे, मैं मोदे आपसे नंबर निवेदन करता हूँ, आप मेरे पास मत आओ। करता है भाई तो तू मेरे साथ चल, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे, तुमको कुछ नहीं होने देंगे। नहीं साहब, नहीं, मुझे जो होना है वो हो चुका है, अभी आप आराम करो साहब, मुझे मेरे पास मत आओ साहब। ये बेवकूफी मत कर भाई प्लीज साहब, अभी आप मेरा वर्मा जी भी बोलेगा ना, तो बेगोपी मत करो, मैंने बेगोपी कर चुका हूँ, अभी आप मैं समझने वाला नहीं हूँ साहब। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपया करके, इतने बड़े अधिकारी हो आप और सर्वोपरि हो आप, ना किसी को दुख देते हो, मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप मत आना। कुछ नहीं बिगड़ा, आप मत आना। और ये DIG जो धमकी दे रहा था ना मेरे को, तेरे को घर भेज दूंगा बिना जांच पड़ताल के, उसका मैं ऑडियो भेज दिया हूँ ग्रुप में, और मेरी औरत भी आज यही है मिलने के लिए, मैं 4 दिन से परेशान हूँ, मेरे को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक खड़े लग रहे हैं, रोज DIG से मिला रहे हैं, DIG से मिला रहे, कभी नहीं मिला है कोई, ये अर्जुन से और गोरे मनाली। अरे कुछ नहीं, इससे स्लिप का देता हूँ तो मेरे को सूरतगढ़ भेज दे रहे हैं, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ
आउट पास दो तो तेरा जांच चल रही है। हर बार कॉक आज गया हूँ मैं कॉक, अब निकल के बताओ, अब निकल के बताओ, देख सुन सुन, नहीं आज निकल के बताओ कोई बार, हर चीज का नहीं, कोई हल नहीं है, आज निकल के बताओ। तो फिर ये आप हेलीकॉप्टर मंगाओ, टिकड़ा मंगाओ, फलाना मंगाओ, मैं भी 8 साल ब्लैक बेल्ट किया हूँ और 1 साल सीआरपीएफ कॉलेज यूएससी 9 साल हूँ। अरे देखो काला मुंह पे लेके घूम रहा ना मेरा 100 किलो का बोई जा रही डीएजी गाड़ी जिसमें साइकिल नहीं है। नहीं नहीं हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं तेरी तरफ, बिना हथियार के हैं हम, मेरी तरफ आने की जरूरत नहीं है साहब, आप कृपया करके मेरी तरफ नहीं आए, हम बिना हथियार के आ रहे हैं तेरे को मारने से, मेरे को मारने से, अगर तेरा तो मेरे दरवाजा नहीं खुलेगा साहब, मेरे दरवाजा जो खुलेगा वो मरेगा। तू वो हम बोल रहे हैं, तू बात बात नहीं करेगा, जो दरवाजा खोलेगा वो मरेगा। हम बोल रहे हैं क्या, हमसे तुम बात करो बस, हम तुमको डीआई साहब से मिलवाएंगे और गारंटी लेते हैं डीआई साहब कुछ क्या भाई, 5 दिन हो गए साहब कोई नहीं मिलवा रहा है, वहाँ रोज खड़ा रख रहा है गौरव मनाली और अर्जुन, आपने जे और ऐसे बना रखा है इनको चोरों को। भाई सुन वो नहीं साहब, मैं कट कर रहा हूँ साहब आपका फोन, अभी मेरे साथ बात करेगा, सुन सुन तो साहब, भाई सुन मेरे साथ अभी बात करेगा। नहीं साहब मैं आपको सर्वोपरि मानता हूँ, आपको मानता हूँ, अपना मेरा साहब को मानता हूँ, प्रमोद साहब को मानता हूँ, ये सर्वोपरि है। हम मगर ये ऐसे गंध आ गए जो बीएचएम और गौरव मनाली और ये अपना बीएचएम तो ठीक है, मगर अर्जुन और ये गौरव मनाली आ गए तो साहब मैं कुछ नहीं कर सकता साहब, कभी मैं इससे लिखवा देता हूँ, सूरतगढ़ भेज दे रहे, 11 किलोमीटर मेरा घर है यहाँ से, इससे पहले मैं आउट पास का दिया, मेरा आउट पास दे दिया, आज दिन में बोला 3 बार थक लिया तो सर से पानी निकल गया सब, 4 फायर मैं कर चुका हूँ, इसके बाद उसको डीआईजी को बोल दो भूपेंद्र को आजा, हम क्या नहीं डीआईजी को बोल दो भूपेंद्र को तो तू आजा, सुनो भाई संभाल लूंगा, बिना जांच पड़ताल के मुझे बोल रहा है तू आजा, मैं तेरे को घर भेज दूंगा, मैं तो घर जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे नहीं होता है, कोई ऐसे नहीं भेजता यार घर, नहीं वो बोला ना ऑडियो मिला साहब, आप ग्रुप में देखो ऑडियो देखो, कौन से ग्रुप में भेजा है अपना आरटीसी ग्रुप में देखो, भूपेंद्र साहब मेरे से क्या बात की है, बोला ट्रेन से उतर जा, मेरे बाप की ट्रेन है क्या वो जो मैं उतर जाऊं नीचे, साहब स्टेशन आएगा मैं उतर जाऊंगा, जहाँ भेजा वहाँ मैं गया, वहाँ वहाँ से वापस आया यहाँ आया, यहाँ के बाद मैं आउट पास कर दिया 2 घंटा भी नहीं दिया, उसके बाद आज दिया संडे को, दुनिया गई बैंको यूपी बिहार वाले गए और नरेश कुमार 11 किलोमीटर वाला नहीं गया। नहीं नहीं सुन भाई, नहीं साहब आरटीसी बंद होगी अभी, जो भी तुम्हारा दिक्कत है वो बात करके, नहीं उसे क्या 4 दिन हो गए साहब उसे मिलने के लिए, माधव चौधरी मिला नहीं रहे, नहीं नहीं हम मिलवा, मैं सिविल ड्रेस हूँ मैं उस, नहीं अभी तो फायर होने के बाद आप तो मिलाओगे साहब, नहीं मिलाओगे, सुन सुन नहीं पढ़ते नहीं पता नहीं होता इतना भी, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ साहब, अरे कुछ नहीं बिगड़ा है, हम बोल रहे कुछ नहीं बिगड़ा है किसी, मेरा तो और बिगाड़ दो साहब, मेरा तो और बिगाड़ दो यार, बात आरटीसी बंद होनी चाहिए साहब, मेरा तो अनुमान सही यही है, बात खराब मत ये कर। देखो बात खराब करो साहब, मैं आपको सर्वोपरि मानता हूँ साहब, मैं आपके पास 8 महीना अपना फर्स्ट विंग मैं सिपाही रहा, आपके पास कई बार खाना चेक कराने आया साहब, बिल्कुल बिल्कुल यही तो हम बोल रहे हैं, तो तू इतना सही काम कर रहा है, नहीं अब नहीं करेगा साहब, अभी ये सुशील साहब है ना ये प्रमोद साहब से जलता है तो मेरे को क्यों जला रहे साहब, मैं छोटा कर्मचारी हूँ। अरे नरेश मेरी बात सुन, हम यहाँ 2 अधिकारी बैठे हैं तो बेवकूफ मत कर, देखो नहीं आपने बेवकूफ, अभी नरेश कुमार ने एक बार कर दिया तो बेवकूफ करेगा, ऐसा नहीं करते समझे, देखो जिंदगी है तो जान है, एक नहीं जिंदगी है तो जान नहीं है, जिंदगी तो मेरी जंट कर दी साहब आपने। अरे ठीक है यार, आप है ना इंसान अन्य परिस्थितियों से लड़ता है दोस्त, अभी ऐसे परिस्थितियों से लड़ना, मैं परिस्थितियों से लड़ रहा हूँ साहब, निकलो कोई आओ बाहर आओ, चुगल को रात ही गोली मारता हूँ साहब, चुगल को आते ही गोली मारता, नहीं तो मेरे सामने कितने अपना इच्छा पड़े गए, मैं तो राम राम सब राम राम पूछ लो, सुन भाई नरेश नहीं सब बिल्कुल नहीं, बार सुन भाई नहीं 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 ये जा रहे हैं, देखो मेरे सामने ये जा रहे हैं भाई, बीवी बच्चे हाँ मेरे बीवी बच्चों को मेरा काकी ससुर हनीमून बनी वाले है वो संभाल लेगा। अरे यार ये क्या बात हुआ, ये गलती मत कर यार, क्या बात कर रहे हैं, वो संभाल लेगा सब, अरे साहब आपसे निवेदन है मेरे को अभी कॉल मत करो, अब यार फोन निकले।